दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। चलिए पहली खबर में देखिए, नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, स्कूल में सही से नहीं पढ़ाया तो टीचर की नौकरी जाएगी, शनिवार को नो बैग डे। या देखिए बिहार के स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। अब से हर शनिवार को स्कूल में नो बैग डे होगा। वहीं देखिए सीएम नीतीश ने काम में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से स्कूल की जाँच कराने के लिए कहा है। वहीं देखिए उन्होंने निर्देश दिया कि जो टीचर बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं उनकी नौकरी जाएगी, वहीं जो शिक्षक बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ाते हैं उनकी तनख्वाह भी बढ़ाई जाएगी। साथ ही देखिए मुख्यमंत्री ने बच्चों के खाते में विभिन्न योजनाओं की राशि के भुगतान का भी शुभारंभ किया। 15 तारीख तक बच्चों के खाते में सरकारी योजनाओं की राशि पहुंच जाएगी। सीएम नीतीश ने भी यह घोषणा की कि बिहार में शिक्षा का बजट हिस्सा कुल बजट का 25% किया जाएगा ताकि शिक्षा का विकास और बेहतर ढंग से हो। बड़ी खबर में देखिए, बीपीएससी ने जारी किया 51 परीक्षाओं का कैलेंडर, अकेले जनवरी में 41,000 सरकारी नौकरी। यह देखिए बिहार लोक सेवा आयोग ने आगामी 51 विभिन्न परीक्षाओं के कैलेंडर जारी कर दिए हैं। इसमें नवंबर व दिसंबर 2022 व 23 में होने वाली परीक्षाओं की तिथि भी शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 802 पदों के लिए आयोजित 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 14 नवंबर को आएगा। इसकी मुख्य परीक्षा 29 दिसंबर को आयोजित होगी। वहीं देखिए 68वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा के तहत प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी 2023 को आयोजित की जाएगी। इसके अलावा 373 ऑडिटर पद के लिए मुख्य परीक्षा 2 नवंबर से 4 नवंबर तक आयोजित होगी। वहीं देखिए सहायक अभियोजन पदाधिकारी के लिए मुख्य परीक्षा 12 से 15 नवंबर तक होगी। इसका परिणाम 15 मार्च 2023 को जारी होगा। वहीं देखिए आयोग के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि सबसे अधिक पद शिक्षा विभाग के अधीन होने वाली परीक्षा के हैं। इसके तहत प्रधान शिक्षक के 40,506 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 18 दिसंबर को आयोजित होगी। वहीं इसका परिणाम 3 जनवरी 2023 को जारी किया जाएगा। बाड़ीघर में देखिए, कांग्रेस विधायक प्रतिमा ने उठाई बिहार से शराबबंदी हटाने की मांग, बोले नीतीश का बैन फेल है। देखिए कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी ने बिहार से शराबबंदी हटाने की मांग की है। शराबबंदी को विफल बताते हुए विधायक ने कहा कि आंख बंद करने से सच्चाई नहीं छिप सकती है। उन्होंने कहा कि हम सभी को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से विफल है। आपको बता दें कि राज्य सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी के विधायक ने पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अगर बिहार में शराबबंदी है तो फिर ट्रकों का भंडार कहां से मिल रहा है, लोग शराब पीकर मर रहे हैं तो उसे अज्ञात बीमारी बताया जा रहा है। सरकार का महिमा मंडन करने वालों की ओर से राजस्व की चिंता नहीं करने की बात की जाती है। आगे उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास पैसा है तो क्यों नहीं स्कूली बच्चों को बैठने के लिए टेबल दिया जा रहा है, बच्चे क्यों जमीन पर बैठकर पढ़ने को विवश है। आगे उन्होंने कहा कि डेंगू से बच्चे की मौत हो रही है पर फॉगिंग तक नहीं हो रहा है। हम सुप्रीमो जीताराम मांझी एक पौवा पीने की बात करते हैं तो क्यों नहीं वे इस मसले पर नीतीश से बात करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह राशन दुकान के तर्ज पर शराब की बिक्री कराए। बड़ी खबर में देखिए, सूबे में वज्रपात से लोगों को सतर्क करेगा होटर। जी देखिए बड़ी खबर है, राज्य में ठनका से हो रही मौतों को कम करने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। गांवों में अब होटर लगाए जाएंगे, इसकी आवाज 5 किलोमीटर तक पहुंचेगी। वहीं देखिए होटर की आवाज सुन लोग सुरक्षित जगह चले जाएंगे, इस तरह वज्रपात से होने वाली मौतों में कमी आ सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वज्रपात को लेकर बिहार में अभी इंद्रवज ऐप से ठनका गिरने की सूचना 30 मिनट पहले संदेश भेज कर दी जा रही है। वहीं 1.25 लाख से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया, लेकिन इसमें परेशानी यह रही कि खेतों में काम करने वाले किसानों के पास मोबाइल उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें यह संदेश नहीं मिल पा रहा है। इसी को देखते हुए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने तय किया कि गांव में होटल लगाए जाए। प्रयोग के तौर पर पटना गया और औरंगाबाद में होटल लगाने का काम शुरू किया गया है। बाड़खर में देखिए, राज्य में मोतिहारी सबसे प्रदूषित तो पटना 10वें स्थान पर। यह देखिए राज्य के 6 शहरों की हवा बहुत ही खतरनाक हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से देश भर के 177 शहरों में बिहार के 6 शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित है। वहीं देखिए पराली जलाने व धुंध बढ़ने का इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के मुताबिक देश भर में प्रदूषित शहर के मामले में मोतिहारी पहले स्थान पर है, हालांकि पटना 10वें स्थान पर है। वहीं देखिए दिल्ली में जो अभी गैस चैम्बर में तब्दील
तब्दील हो चुकी है। उसका सूचकांक 341 है। वहीं बिहार के मोतिहारी, बेतिया, दरभंगा, छपरा, बक्सर, बेगूसराय, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा और दरभंगा में हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। यहां की हवा इतनी दूषित है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। इससे सांस के मरीजों के मुश्किल होने लगी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद की यह रिपोर्ट शाम 6 बजे की है। बड़ी खबर में देखिए, पटना में अतिक्रमण हटाओ अभियान सोमवार से होगा शुरू। जी देखिए, राजधानी पटना में एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान सोमवार से शुरू किया जाएगा। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि की अध्यक्षता में हुई बैठक में अतिक्रमण हटाओ अभियान की रूपरेखा तय की गई है। आयुक्त ने डीएम, एसएसपी तथा नियुक्त पटना नगर निगम को 14 नवम्बर से अतिक्रमण हटाने के स्पेशल ड्राइव चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभियान चलाने से पहले क्षेत्र में अनुमंडल पदाधिकारी माइकिंग कराएंगे। अतिक्रमण हटाने की संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें कि नेहरू पथ यानी बेले रोड, फ्रेजर रोड, एग्जीबिशन रोड, अशोक राज पथ से सिटी चौक, अनिसाबाद, गोलम्बर से फुलवार शरीफ, एम्स, दानापुर, बाकीपुर रोड, नाला रोड, कंकड़बाग, मेन रोड, बारी पथ, पांचवा टोली, जेपी गंगा पद, अटल पद, मुख्य सड़क से सटे संपर्क पद, आरओबी के नीचे एवं अन्य मार्ग, वाहन पार्किंग, फ्लाई ओवर के नीचे पार्किंग, वेडिंग जोन से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। बड़ी खबर में देखिए, झारखंड में 77% आरक्षण पर विधानसभा की लगी मुहर। जी देखिए, झारखंड में आरक्षण के कोल सीमा को बढ़ाकर 77% करने के लिए शुक्रवार को विधानसभा ने मुहर लगा दी है। विशेष सत्र में इसको लेकर विधेयक पारित कर दिया गया है। इसके अलावा 1932 खतियान आधारित स्थानीय संबंधित विधेयक भी सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आपको बता दें कि इस विधेयक में पिछड़ी जाति का आरक्षण 14% बढ़कर 27% किया गया है। इस विधेयक से कानून बनने और 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद एसटी को 28, एससी को 12 तथा पिछड़े को 27% आरक्षण मिलेगा। वहीं इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 15 तथा पिछड़ा वर्ग को 12% कोटा मिलेगा। गरीब स्वर्णों को शामिल कर राज्य में कुल 77% आरक्षण लागू होगा। वहीं देखिए, 1932 खतियान आधारित स्थानीय के विधायक के कानून बनने के बाद राज्य के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर उनकी ही नियुक्ति होगी जो इस विधेयक के अनुसार परिभाषित होंगे। बड़ी खबर में देखिए, बरौनी रिफाइनरी से हवाई ईंधन की आपूर्ति हुई शुरू। जी देखिए, बरौनी रिफाइनरी के इनजेड यूनिट से हवाई ईंधन की आपूर्ति शुक्रवार को शुरू की गई। इनजेड यूनिट से बरौनी मार्केटिंग टर्मिनल एवं एटीएफ फ्यूल के पहले बैच के डिस्पैच के ऑनलाइन शुभारंभ किया गया। वहीं देखिए, बरौनी रिफाइनरी के कार्यपालक निदेशक सह रिफाइनरी प्रमुख आर के झा ने पाइपलाइन से एसटीएफ के बरौनी मार्केटिंग टर्मिनल तक डिस्पैच किया। बरौनी रिफाइनरी से उत्पादित एटीएफ पटना, गया, दरभंगा तथा नेपाल के हवाई अड्डों को ईंधन आपूर्ति करेगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 15 नवंबर के बाद तेजी से गिरेगा तापमान। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है पूर्वानुमान। जी देखिए, बिहार की राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश का मौसम अगले 5 दिनों तक शुष्क बना रहेगा। 2 दिन बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। वहीं 15 नवंबर के बाद तापमान में तेजी से गिरावट आने के साथ प्रदेश में ठंड की वृद्धि संभावना है। राज्य में बारिश की कोई संभावना फिलहाल नहीं है। वहीं देखिए, इसी दौरान सुबह और रात के समय में हल्की धुंध की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही देखिए, दूसरे दिन भी गया प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री की गिरावट के साथ 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी का न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री की गिरावट के साथ 18.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बड़ी खबर में देखिए, पटना से आरा बक्सर जाना होगा सुगम। 14 को गडकरी करेंगे आरा बक्सर फोर लेन का उद्घाटन। यह देखिए, बड़ी खबर है, बिहार के राजधानी पटना से सड़क मार्ग के माध्यम से बक्सर या आरा जाने वालों के लिए एक बेहद सुगम सफर रहने वाला है। देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 14 नवंबर को आरा बक्सर फोर लेन सड़क का उद्घाटन करेंगे। उसी दिन गडकरी रोहतास जिले में सोन नदी पर पंडुका पुल और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बक्सर लिंक का भी शिलान्यास करेंगे। इन 3 परियोजना की लागत करीब 2300 करोड़ रुपए है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता कि आरा बक्सर फोरलेन सड़क की लंबाई करीब 92 किलोमीटर है। करीब 1500 करोड़ रुपए की लागत वाली पटना भोजपुर बक्सर फोरलेन परियोजना के हिस्से के तहत ही आरा बक्सर फोरलेन सड़क का निर्माण हुआ है। बड़ी खबर में देखिए, सरकार ने आधार के नियमों में किए बदलाव। 10 साल पूरा होने पर दस्तावेज को करना होगा अपडेट। यह देखिए, बड़ी खबर है, सरकार ने आधार के नियमों में संशोधन कर आदेश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आधार संख्या प्राप्त करने में 10 साल पूरा होने के बाद कम से कम एक बार इसमें अपडेट करना जरूरी होगा। वहीं देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आधार में अपडेट होने से केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में संबंधित जानकारी के निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी।
वहीं देखिए मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि आधार धारक आधार के नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर कम से कम एक बार पहचान और निवास प्रमाण पत्र वाले दस्तावेज का अपडेट करा सकते हैं। घर में देखिए 8 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकेंगे नए वोटर। जी देखिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य में बुधवार को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन निर्वाचन विभाग द्वारा सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए किया गया। मतदाता सूची में नए मतदाता अपने नाम 8 दिसंबर तक शामिल कराने या संशोधन कराने की कार्रवाई कर सकेंगे। वहीं देखिए अब मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अर्हता तिथि 1 जनवरी के अतिरिक्त 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर भी होगी। इन 4 अर्हता तिथियों के आलोक में आवेदन मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की तिथि से की जा सकेगी। साथ ही आपको बता दें कि मतदाता सूची में आवेदन के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध है। ऑनलाइन यह सुविधा वोटर हेल्पलाइन ऐप अथवा वोटर पोर्टल nbc.in में लॉगिन कर प्राप्त की जा सकती है। वहीं ऑफलाइन रूप से आवेदन करने के लिए अपने प्रखंड अनुमंडल अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। साथ ही इस संबंध में वांछित जानकारी है तो मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 का प्रयोग भी किया जा सकता है। बाड़ीघर में देखिए बिहार के ग्रामीण इलाकों में भी अब मकान का नक्शा पास कराना होगा। जी देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी मकानों का नक्शा पास होगा। एक खास सीमा से अधिक ऊंचे भवनों के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। तय सीमा से कम ऊंचे भवनों के लिए यह जरूरी नहीं होगा। इसको लेकर पंचायती राज कानून 2006 में संशोधन किया जाएगा। वहीं देखिए वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में मकान का नक्शा पास कराने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऊंचे और बड़े भवनों का निर्माण बिना किसी नियम का पालन किए किया जा रहा है। इसको देखते हुए पंचायती राज विभाग एक्ट में संशोधन की तैयारी में लग गया है। वहीं देखिए विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि मकानों का नक्शा पास कराने का अधिकार पंचायती राज कानून में नहीं है, इसीलिए कानून में संशोधन किया जाएगा ताकि यह अधिकार पंचायती राज के पास प्राप्त हो। देखिए राज्य में फरवरी से ट्रैफिक नियम तोड़ने पर घर पहुंच जाएगा चालान। जी देखिए नया वर्ष 2023 की शुरुआत में राजधानी का यातायात सिस्टम पूरी तरह स्वचालित हो जाएगा। फरवरी से ऑटोमेटिक तरीके से चालान कटना शुरू हो जाएगा। विशेष उपकरण की मदद से यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं देखिए राजधानी के सड़कों पर नए साल से 2588 कैमरे से निगरानी शुरू हो जाएगी। यातायात अधिकारी सीसीटीवी से राजधानी में जाम की स्थिति पर नजर रखेंगे। पटना में ट्रैफिक लाइट, विशेष यातायात उपकरण सहित सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम तेजी से चल रहा है। वहीं देखिए करीब 1/4 चेस लाइट व कैमरे लगाए भी जा चुके हैं। कुछ वर्ष पहले पटना में बुडको द्वारा जगह जगह स्वचालित ट्रैफिक सिस्टम लगाया गया था, लेकिन देख रेख नहीं होने के कारण करोड़ों की लागत से स्थापित तंत्र स्वस्थ हो गया। इसकी वजह से प्रमुख चौराहों व व्यस्त सड़कों पर जाम लगना आम बात है। सबसे बुरा हाल कारगिल चौक से NIT मोड़, दीघा राजा बाजार, पटना जंक्शन चौराहा, बोरिंग रोड, बेली रोड, कंकड़बाग, चरैया टर्ड, पूर्व राजीव नगर क्रॉसिंग का है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।